असल मैं मौजूद हूँ अभी गायनी वार्ड के अंदर मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में, और यहाँ पे हम आपकी मुलाकात सीनियर कंसल्टेंट गायनी ऑप्स की डॉक्टर फरखुंदा के साथ कराते हैं, जो अपनी एक सक्सेस स्टोरी हम साथ शेयर करेंगी, एक पेशेंट के बारे में बताएंगी और हमें बताएंगी ये किस तरह से मुर्शिद हॉस्पिटल इन्होंने खुद ने इनकी टीम ने इसको सेव भी किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। असलम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम। और आप हमें बता रही हैं कि किस तरह से हम, क्योंकि लाइव हमें अपने आपके गायनी वार्ड के अंदर, और हमें पेशेंट के बारे में बताइएगा मैम। जी, ये पेशेंट हमारे पास जिस तरह आते हैं ओपीडी के अंदर बुक पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास विजिट करवाते हैं तो हम उनको इलेक्टिव डेट्स उनकी देते हैं कि आपने इस डेट पर आना है, आपका सिजेरियन होगा, लेकिन हम साथ में पेशेंट को बताते हैं कि आपके अगर कोई पहले प्रॉब्लम हो जाए, पेंस आ जाएँ, फीटल मूवमेंट कम हो जाए तो आप हमारे पास पहले रिपोर्ट करें। तो यही इस पेशेंट के साथ था कि अचानक से इनको पेन स्टार्ट हो गई, और क्योंकि इनको काउंसलिंग अच्छी की हुई थी कि आपको पेंस आएँ आप पहले भी आ सकती हैं, तो ये हमारे पास पहले आ गई, तो हमने जैसे ही आई पहले तो फिर इनका हमने एडमिशन बनवाया, इनके लैब्स अर्जेंट करवाई और फिर इनको ओटी शिफ्ट करवाया इनकी फ़ौरन से की सिजेरियन सर्जरी के लिए। तो आपने सिजेरियन सेक्शन जो कोई अर्जेंसी में और इमरजेंसी में किया, राइट मैम? जी बिल्कुल, ऐसे ही किया क्योंकि उनकी डेट तो आगे की थी, लेकिन क्योंकि पेशेंट को काउंसलिंग की गई थी कि अगर आपको पेंस आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आ जाइएगा, तो उसी को फॉलो करते हुए पेशेंट ने अपने डॉक्टर की बात सुनते हुए वो आई, और फिर हमने उनको हेल्प आउट किया उनकी इमरजेंसी में, उनका हमने उनका सिजेरियन किया उनकी, और मदर और बेबी दोनों को जो उनसे है वो बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से हैं, माशाल्लाह बेबी तो घर भी चला गया है। अच्छा, ज़बरदस्त मैम, लेकिन इसमें आपका तो खैर हाथ है ही सबसे बड़ा, लेकिन पूरा टीम वर्क है मैम, और मुर्शिद की मैनेजमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, राइट मैम? जी बिल्कुल, इसमें लैब्स कभी होता है, आप फौरन से बिल्कुल 5 मिनट्स के अंदर आप लैब्स रिपोर्ट जोन से है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अर्जेंट चाहिए, पेशेंट ने ओटी में जाना है, अगर आपको ब्लड अरेंजमेंट के लिए चाहिए तो वो भी हम ऑन कॉल ब्लड बैंक से बात कर लेते हैं कि हमारे ब्लड चाहिए, हमें पेशेंट जो से हमें अर्ली मूव करना है, तो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, हमें बताते हैं कि यस हमारे पास रिजर्व में है, यू कैन प्रोसीड विद द सर्जरी इन एमरजेंसी केसेस। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, सीएस सरकार से आपको एज अ डॉक्टर कितना रिलीफ मिला है? पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा रिलीव है, देखें क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है हमारी और हमारी जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उनमें बहुत रश है, और हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे पेशेंट इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि उनके पास दे डोंट, मतलब हम एक अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, लेकिन उनके लिए सेहत सहूलत कार्ड बहुत अच्छी एक एफर्ट है, उनको एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए, वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए, उनको जो वो निगलेक्ट था कि वो नहीं जा पा रहे थे उस चीज़ को ओवरकम करेगी ये चीज़ कि आप जा सकते हैं अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर साहब, एज डॉक्टर्स हमारे हमेशा दिल में होता है कि दुखी इंसान की खिदमत करना, तो सियासत कार्ड ने वाकई प्रूव कर दिया है, क्योंकि इससे हमारी भी आसानी हो जाती है कि पेशेंट का फ्री में हो रहा है और वो सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, राइट मैम? जी बिल्कुल, ऐसे ही है, पेशेंट आता है उसके एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक सब कुछ जो है वो फ्री होता है, जब पेशेंट एक दफ़ा एडमिट होता है तो उसकी लैब्स, उसकी मेडिसिन, उसकी एंटीबायोटिक्स, एवरीथिंग, उनका प्रोसीजर, डॉक्टर की फीस, सब कुछ फ्री होता है, पेशेंट जीरो बिल के साथ वापस घर जाता है। काफ़ी अच्छा है मुर्शिद हॉस्पिटल, डॉक्टरों की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली।